हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में पेरोल को ऑन करेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको पेरोल नहीं दिखाई पड़ेगा। सो इनएक्टिव पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी देखिए नीचे पेरोल तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्लिक नहीं होगा यहाँ। और ये पेरोल को ऑन करना है तो कहाँ से ऑन करेंगे? आपको कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करना है। F11 की प्रेस करिए कीबोर्ड से, और जैसे ही आप F11 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जो कुछ इस तरह से होगी। देख सकते हैं यहाँ पर पेरोल का ऑप्शन मिल जाता है टैली प्राइम में, ये अच्छी बात है। यहाँ पर वाई प्रेस कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर इनेबल पेरोल स्टेटरी, अगर स्टेटरी को भी इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी यस प्रेस कर देंगे और ये यस हो जाएगा। और बाकी ये कंपनी का कोड वगैरह ये सब आपको डालना है, ठीक है? तो कंपनी के आपके कोड क्या है वो डाल दीजिए। तो यहाँ पे लाइक मेरा 0148 है तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है? फिर एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड, तो ये अकाउंट ग्रुप का एक कोड होता है वो आपको डालना है। यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। कंपनी का जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपका सिक्योरिटी कोड है, ठीक है? फिर यहाँ पर कंपनी कोड, वही कंपनी कोड आपको डालना है 0148 यहाँ पर भी, तो ये हमने डाल दिया, ठीक है? एंटर प्रेस किया। ईएसआई ब्रांच ऑफिस का नेम डाल दीजिए और ये सारी चीजें डालते हुए यहाँ पर लास्ट में आपको डालना है यहाँ पे पैन नंबर। ये देख लीजिए सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे पैन नंबर जो भी आपका है वो डाल दीजिए, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो भी पैन नंबर है, तो ये डाल दिया हमने। एंटर प्रेस किया और अब इसको एक्सेप्ट करवा लेना है, तो ये एक्सेप्ट करवा लिया हमने, पेरोल ऑन हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी मिलेगी, एम्प्लॉय का ग्रुप मिलेगा, एम्प्लॉय मिलेगा, और फिर यहाँ पे अटेंडेंस मिलेगा और ये पे हेड मिलेगा। तो अटेंडेंस में जाकर के आप अटेंडेंस बना सकते हैं, ठीक है? प्रेजेंट एब्सेंट ये यहाँ पर जाकर के आप बना सकते हैं, ग्रुप बना लीजिए। वो अकाउंट का एक अलग ग्रुप होगा, मैनेजर का एक अलग ग्रुप होगा, ठीक है? जैसे एक तरह से मान लीजिए फर्स्ट क्लास कर्मचारी जो होंगे उनका एक अलग ग्रुप होगा, सेकंड क्लास का अलग ग्रुप होगा, थर्ड क्लास का अलग ग्रुप होगा। इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हैं एम्प्लॉयज का, ठीक है? एम्प्लॉय की कैटेगरी बना सकते हैं, कैटेगरी और ग्रुप दोनों बना सकते हैं आप। और फिर एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर आएगा, और एम्प्लॉय का नेम देने के बाद यहाँ पे अटेंडेंस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कितना पे हेड बनता है, मतलब उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसके बाद उसमें TA DA वगैरह वगैरह इंक्लूड करना है, तो आप पे हेड भी बना सकते हैं। तो अब ये एक्टिवेट करना मैंने सिखाया। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये पेरोल मास्टर में कैसे हम कैटेगरी ग्रुप वगैरह बनाएंगे। वैसे आप यहाँ पर जाकर के बना सकते हैं, ये लाइक ग्रुप है, तो यहाँ पर आकर के और ग्रुप भी बना सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी कि इसे कैसे करना है।